गाइस फाइनली शादी डेट फिक्स हो गई। हम लोग जा रहे हैं भाई आज शादी कार्ड छपाने को। ज्यादा काम बढ़ गया है शादी के चलते। हम लोग शादी डेट आने के बाद एकदम तुरंत काम में लग गए हैं। फिलहाल रात में गए थे गाइस बैंड बाजा बुक करने को। वो बैंड बाजा वाला बोला गाइस 20 से 22 हज़ार, कभी 27 हज़ार, तो ये तो भाई बजट में नहीं था। बैंड बाजे का कार्यक्रम नहीं, हम लोग जा रहे हैं भाई शादी कार्ड छपाने को। कल हम लोग रात में गए थे, मैंने उस चीज़ को नहीं दिखाया क्योंकि हम लोग रात में गए थे तो क्या ही शूट करता। तो गाइस हम लोग गए थे दुकान पे, दुकान वाला था नहीं। दुकान वाले को हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद दुकान वाला बोला कि भाई अभी मैं घर दुकान पे नहीं हूँ, कल आऊँगा सुबह, यानी कि अभी। उन्होंने कल ही फॉर्मेट सब दे दिया है, तो अगर छप गया होगा तो आज ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आज ही लगना है। तो अपने पास समय गाइस बहुत ज़्यादा कम है और काम ज़्यादा करना है, तो फिलहाल बने रहिए। कब होना है शादी, कैसे होना है, किन के है, सब पता चलेगा भाई वीडियो में। बने रहने हो तो चैनल को बेसब सब्सक्राइब करो। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आगे की जर्नी और बताते हैं भाई आज का कार्यक्रम कैसा होता है। A few moments later. हमारी सोनी बिटिया यहाँ पे है, देख सकते हो। हेलो बोल दे, हेलो। तो भाग रही है सोना। अभी नल बनाने वाले मिस्त्री लोग लग गए हैं काम पे, तो छपाने को भी जाना है। फिलहाल उससे पहले हमको नल भी बनाना है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो। तो बड़े बड़े मिस्त्री लोग यहाँ पे है। ये सबसे बड़ा जो ऊपर में दिख रहा मिस्त्री बहुत नर्वस है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा है हल्का हंस। छोटा मिस्त्री प्लास्टिक वाला लगा है। देख दे प्रेम से बोलो, जय माता जी। ये बूस्टर। 5 minutes later. फाइनली हम लोग कार्ड लेने पहुंच चुके हैं। प्रिय नेता उतार लोग आए, लग रहा है सामने हल्दी में डायलॉग चल रहा है बड़ी बड़ी। यहां से कार्ड लेंगे और कल वितरण करेंगे। पुलिस गाड़ी भी सामने खड़ी है, इधर लगा हुआ नेता वाला सब गया। ये पूरा ये रहे कार्ड भाई साहब, कल से इसको वितरण करना है। बस लगा हुआ है उड़ीसा जाने वाला, अभी ये बस जाता है उड़ीसा को उमरकोट। अच्छा भाई थोड़ा ज्यादा पेट्रोल पी रहा है, इस वजह से उसको थोड़ा सर्विसिंग में दिए हैं। तो गाड़ी भाई घूम ली अपनी है ना, बहुत कीचड़ हो गया था, इसको साफ करेंगे क्योंकि कल से जर्नी है, तो भाई एकदम क्लियर नजर आना चाहिए ना, एकदम पका तक है ना। ये शादी वाले लग रहा है जा रहे हैं भर के। तो अभी शुरू कर दिए गाइस, हम लोगों ने काफी कार्ड यहाँ पे बांट लिए हैं, देखते हैं आज कितना कार्ड डिलीवरी कर पाते हैं छत्तीसगढ़ में। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं गाइस आप लोग उड़ीसा। पूरे लकड़ियों से बने गाइस किनारे किनारे। फाइनली हम लोग उड़ीसा पहुंच गए, देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बनाए करके बनाओ भाई, काफी खूबसूरत से तो लिख लुआ के 15 से स्टार्ट होगा इस तरीके से, काफी खूबसूरत से घर भाई ऐसे बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ क्या आती है ना, इस तरीके से दीवार है बाड़ी, अपने गाय बैल को सुरक्षा करने के लिए इस तरीके से बना हुआ है देखिए। और बीच में अंदर अंदर कट्टा बाजी उड़द कुछ कुछ सुखाए हुए है ना, इस सामने लिखा हुआ है भाई, समझ नहीं आ रहा है कुछ।
हम यहाँ से निकलेंगे दूसरा तेल गाँव गली घूम रहे हैं भाई, कार्ड देते देते अरे भाई क्या है पता नहीं यार बोट में से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। उड़ीसा भी बहुत खूबसूरत है, मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं देखो ट्रक्स कोमलू हमका तो काले अक्षर भैंस बराबर है भाई साहब। गांव गांव गली गली शहर शहर योजना ला रहे भाई। केक है उसके अंदर, केक है पैसा मिलेगा ऐसा लगा मेरा मजाक। चलो यहाँ से कार्ड वितरण करके आगे बढ़ रहे हम लोग। यहाँ का अक्षर थोड़ा सा ना बहुत कंफ्यूजन अक्षर है, कुछ समझ नहीं आता यहाँ क्या है। ओडिया में लिखा है गाइस, कुछ पता नहीं चल रहा है मालूम। एनीवे जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, घूम तो रहे हैं। कार्ड देने के बाद हम लोग रोड में निकल गए हैं, कार्ड बांटना है वो यहाँ से काफी दूरी में है। आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे पूछते पूछते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में जो है उड़ीसा में लिखी हुई है तो पता नहीं चल पा रहा है भाई। गूगल भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, हालांकि इंग्लिश में होता तो होता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। रुक रुक के जलपान करते करते जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग जल नहीं ले रहे हैं, बस पान खाते जा रहे हैं। जल लेके आ रहा है इधर इधर दादा, जल लेके आ रहे हैं देखो एकदम देसी फुल देसी। प्यारी त्योहार चल रहा है गाइस उड़ीसा पे, और बैलों को खिचड़ी खाना खिला रहे है ना, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे लोग आए हैं। जब उड़ीसा वासियों को दिहारी की बधाई हो, सामने दिख रही है पड़ागढ़ की पहाड़। लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, कॉल किया है, पूरा उड़ीसा में लिखा हुआ है ना। सो है गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूंगा कि उड़ीसा में हम लोग सबसे पहले कहाँ कहाँ घूमे। सबसे पहले गाइस हम लोग छत्तीसगढ़ जेबेल गए, जेबेल से गए हम लोग नेवरा, नेवरा से होते हुए हम पड़ागढ़, पड़ागढ़ से फिर परलीगुड़ा, उसके बाद फिर तेलगांव, तेलगांव से होते हुए गाइस हम लोग लास्ट में, क्योंकि उधर का रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड था और हम लोगों ने कंटिन्यूसली मतलब 12 घंटे से ज़्यादा ट्रेवल किया, जितना ज़्यादा हो सकता था हम लोगों ने कार्ड वितरण किया। उसके बाद हम लोग पटियाउंड होते हुए देवड़ा होते हुए रिटर्न अपन छत्तीसगढ़ आ गए। गाइस आज का फर्स्ट वीडियो में यही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।